चैनल केसीआई टैली स्पेशलिस्ट में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आया हूं। आज की जो वीडियो है वो कंप्लीट जर्नल एंट्रीज के एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं उसको कवर अप करने वाला हूं, और ये वीडियो उनके लिए जरूर खास होने वाली है जो स्टूडेंट्स हैं अकाउंट्स के, किसी भी तरीके से अकाउंट से रिलेट करते हैं, कोई सॉफ्टवेयर की पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे टैली हो, विजी हो, मार्ग हो, या फिर आप इस एकेडमिक में आप कॉमर्स की पढ़ाई कर रहे हो, तो उनके लिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो। इस वीडियो को देखने से पहले मेरी लास्ट वीडियो जो मैंने दे रखी है आप लोगों को, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट, उसमें मैंने आपको अकाउंट्स के बारे में भी बताया है तथा गोल्डन रूल्स बताए हैं पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल के, और विद एग्जाम्पल बताया हुआ है। उसमें मैंने सारे कॉन्सेप्ट को भी क्लियर किया है, रूल्स को हम कैसे जर्नल एंट्रीज पर इम्प्लीमेंट करते हैं वो भी मैंने बताया हुआ है, और आज उसके आगे मैं आपको जो जर्नल एंट्रीज मैंने कुछ लिख रखी है बोर्ड में उसको मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाते रहूंगा और बताता रहूंगा। तो उससे क्या होगा कि आपका जर्नल एंट्रीज का जो भी डाउट है वो सारा क्लियर हो जाएगा। तो ये वीडियो सबके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को आप केयरफुली लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं कुछ ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आप जर्नल एंट्रीज को बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के पास जिससे आपके सभी फ्रेंड्स को फ्री में कंप्यूटर की क्लासेस मिल पाए। और मेरे चैनल पे बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, वहां से जाकर के आप फ्री में पूरी पढ़ाई कर सकते हैं। CCC के कोर्सेज हैं, टैली ERP का पूरा पैकेज पड़ा हुआ है, ऐसे ही लैंग्वेज की क्लासेस चल रही है, MS Office की क्लासेस चल रही है, कई सारे क्लासेस चल रही है। चैनल के माध्यम से आप कंप्यूटर की कंप्लीट पढ़ाई फ्री में कर सकते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आप देख पा रहे हैं बोर्ड में मैंने कुछ एग्जांपल्स लिख रखे हैं जिसे वीडियो बहुत लंबी ना हो उसका सॉल्व मैं आपको समझाता रहूंगा और बताता रहूंगा। तो आप देखें, फर्स्ट एंट्री है आपका KCI स्टार्टेड अ बिजनेस बाय कैश। KCI कंपनी है जो कि कैश से व्यापार स्टार्ट कर रही है, व्यापार आरंभ हो रहा है, व्यापार में कैश आ रहा है, और मींस कहने का मतलब पूंजी जो है, कैपिटल जो बन रहा है वो कैश आने से कैपिटल कंप्लीट हो रहा है। तो व्यापार आरंभ हम कर रहे हैं कैश से, कैश व्यापार में आएगा, व्यापार में पूंजी हो जाएगी और व्यापार स्टार्ट हो जाएगा। तो और आप जानते हैं मैंने पिछली क्लास में बताया हुआ है कि जो कैपिटल है व्यापार की लायबिलिटी होती है वो ओनर को डिफाइन करता है, वो इनडायरेक्टली ओनर ही होता है, बिकॉज जो व्यापार को चलाने वाला होता है, जो व्यापार का प्रोपराइटर होता है, वही सारे जोखिम उठाता है लाभ और हानि का, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो व्यापार का कैपिटल है उसको वो ग्रो करे, उसमें गेन करे। तो कैपिटल को लायबिलिटी हम कहते हैं, और लायबिलिटी के अकॉर्डिंग कैपिटल को हम क्रेडिट में रखते हैं, और जो कैश आ रहा है, चूंकि कैश रियल है और रियल अकाउंट का रूल मैंने आपको बताया हुआ है कि डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो संपत्ति व्यापार में आती है उसे हम डेबिट करते हैं और जो संपत्ति व्यापार से जाती है उसे हम क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर कैश आ रहा है कि मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, तो आप समझ सकते हैं KCI ने व्यापार आरंभ किया 10 लाख नकद से, व्यापार में कैश आ रहा है, रियल अकाउंट के तहत ये डेबिट हो जाएगा और कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री को हम सॉल्व करते हैं। मैंने एक सारणी बना रखी है जिसमें पर्टिकुलर में हम विषय को लिखेंगे, और डेबिट है तो डेबिट में बैलेंस और क्रेडिट है तो क्रेडिट में बैलेंस शो करेंगे। हम लिखते हैं कैश अकाउंट, डेबिट है आपका कैश, क्योंकि कैश व्यापार में आ रहा है, जब संपत्ति व्यापार में आती है, रियल व्यापार में आता है तो वो डेबिट हो जाता है, बिकॉज डेबिट व्हाट कम्स इन टू कैपिटल, कैपिटल व्यापार की लायबिलिटी है तो कैपिटल को हम क्रेडिट कर देते हैं, और यहां हम इसका टोटल देखेंगे तो 10 लाख से भी हो जाएगा और 10 लाख, चूंकि डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस हमेशा बराबर होता है, उसमें आप फ्लक्चुएट नहीं कर सकते हैं, तो ये आपकी पहली एंट्री हो जाएगी, व्यापार में कैश आ रहा है, पूंजी में कैश आ रहा है, कैश अकाउंट DR2 कैपिटल। नेक्स्ट एंट्री हम देखते हैं, गुड्स परचेज फ्रॉम मुदित बाय कैश, मतलब मुदित से कैश में माल खरीदा जा रहा है, माल जो खरीद रहे हैं हम, जो गुड्स आ रहा है व्यापार में वो परचेज के रूप में आता है, गुड्स ना लिख करके हम परचेज से व्यक्त करते हैं। तो परचेज जो व्यापार में हम एक्सपेंसेस करते हैं, जो माल को खरीदने के लिए जो हम खर्च करते हैं वो डेबिट होता है, तो यहाँ हम माल को इनडायरेक्टली हम परचेज कहेंगे। तो गुड्स परचेज फ्रॉम मुदित बाय कैश 75,000, मीन्स मुदित से नकद माल खरीदा, जब नकद हो जाए, कैश हो जाए, कैश डिस्काउंट हो जाए, तो ऐसी एंट्री नकद की होती है,
तो परचेज डेबिट हो जाता है और कैश क्रेडिट हो जाता है, बिकॉज परचेज आ रहा होता है और कैश जा रहा होता है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहां पर एंट्री जो हम दूसरी एंट्री करेंगे वो हम करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट में, इसका बैलेंस हम डालेंगे 75,000। टू व्यापार से कैश जा रहा है तो टू कैश अकाउंट 75,000। यहां इसका टोटल हम कर देंगे और इसका टोटल हम यहां पर कर देंगे। आई होप आपको विजिबल हो रहा होगा, बोर्ड पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा। वैसे मैं इसको बता भी रहा हूं और आप जूम करके भी देख सकते हैं इसको। तो दूसरी एंट्री क्या है, मुदित से नकद माल खरीदा, कैश में माल खरीद रहे हैं तो परचेज डेबिट हो जाता है और कैश क्रेडिट हो जाता है, परचेज अकाउंट डीआर टू कैश। नेक्स्ट एंट्री हम देखते हैं, मैंने एक परचेज का कैश नकद, चूंकि बिकॉज दो तरीके से परचेज होते हैं, कैश परचेज एंड क्रेडिट परचेज, तो ये आपके कैश परचेज की एंट्री है। नेक्स्ट मैंने दे रखा है गुड्स परचेज फ्रॉम सुमित एंड कंपनी, मीन्स सुमित एंड कंपनी से माल खरीदा जा रहा है 1,00,000 रुपए का, जो कि आपका उधार में है, लोन पर लिया जा रहा है, तो आपका परचेज तो डेबिट होगा बिकॉज गुड्स आ रहा है व्यापार में। तो हम थर्ड एंट्री करते हैं परचेज अकाउंट डेबिट में अमाउंट डालेंगे 1,00,000 टू सुमित एंड कंपनी, सुमित एंड कंपनी से 1,00,000 रुपए का माल उधार आ रहा है, बिकॉज हम सुमित को कुछ दे नहीं रहे हैं, इसलिए यह एंट्री क्रेडिट में सुमित को डाल देंगे, क्योंकि यहां लायबिलिटी बनेगी व्यापार की, सुमित को सन्ड्री क्रेडिटर के ग्रुप में हम ऐड करते हैं। ये क्रेडिटर क्या होता है, डेटर क्या होता है, ये मैं आगे की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा, जब मैं लेजर्स बनाना बताऊंगा उसके ग्रुप को मैं समझाऊंगा आप लोगों को। सो मैं सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप पढ़ाता रहूंगा, अगर इस वीडियो को आप देख रहे हैं एज ए क्लासरूम, आपको सारे वीडियो स्टेप बाय स्टेप की मिलेंगे। तो आप देखें, सुमित से माल खरीदा, उधार में माल खरीद रहे हैं, जब उधार में माल खरीदते हैं तो जो गिवर होता है, जो देने वाला होता है, जो सप्लायर होता है, वो क्रेडिट में चला जाता है, बिकॉज यहाँ व्यापार की लायबिलिटी हमारी लायबिलिटी, चूंकि मैंने आपको बताया है कि जब आप जर्नल एंट्रीज करें तो अपने आप को ओनर समझ के, अपने आप को व्यापारी समझ करके करेंगे, तो आपसे जर्नल एंट्रीज रॉन्ग नहीं होंगी और उसके सारे स्टेप्स को आप क्लियर कर पाएंगे। और एक ऑप्शन मैंने आपको और भी बताया था कि यदि आपको कोई भी एंट्री करनी है तो उसके साथ कुछ क्वेश्चंस वर्ड लगा करके आप एंट्री को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एंट्री क्या है, सुमित से माल खरीदा, क्या किया, माल खरीद, क्या लगाएंगे, क्या किया, एंट्री से पूछेंगे क्या किया, तो आपको आंसर मिलेगा माल खरीदा, किससे, सुमित से, एंट्री सॉल्व हो जाएगी, माल आ रहा है, दे रहा है सुमित, कैसे खरीदा, नकद, ऐसा कुछ शब्द नहीं है इसमें, तो इसे हम उधार मानेंगे, परचेज आ रहा है, इसलिए परचेज अकाउंट डीआर टू सुमित। थर्ड एंट्री हो गई, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, गुड सोल्ड टू मनोहर बाय कैश, मनोहर को हम माल बेच रहे हैं बट कैश बेच रहे हैं, मतलब नकद में मनोहर को माल बेचा जा रहा है, मनोहर को नकद माल बेचा 1,50,000 रुपए का, मनोहर हमारा कस्टमर है जिसे हम माल बेच रहे हैं और 1,50,000 रुपए का नकद माल बेच रहे हैं। तो जब माल बेचेंगे तो गुड्स जो है व्यापार से सेल्स के रूप में जाएगा, सेल्स आपका क्रेडिट हो जाएगा और जो संपत्ति आ रही, जो कैश आ रहा है, जो रियल आ रहा है व्यापार में, कैश आ रहा है, कैश रियल अकाउंट कहता है कि डेबिट वुड कम्स इन, जो आ रहा है तो कैश आ रहा है, इसलिए कैश डेबिट, और सेल्स आपका जो गुड्स व्यापार से जा रहा है उसको हम क्रेडिट करते हैं। वैसे कैश जो आपका सेल्स है वो इनकम एक तरीके है, उससे रेवेन्यू जनरेट होता है। So, हम यहां पर अगला लिखते हैं, नंबर चौथा है एंट्री, मनोहर को नकद माल बेचा, तो यहां पर हो जाएगा कैश व्यापार में आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट में इसका बैलेंस हम डाल देंगे 1,50,000, टू व्यापार से सेल्स जा रहा है इसलिए सेल्स को हम क्रेडिट में कर देंगे 1,50,000, इस तरह से इसका टोटल हम कर देंगे। आप देखें, मनोहर को नकद माल बेचा है तो कैश व्यापार में आएगा, कैश डेबिट हो जाएगा, और सेल्स व्यापार से जा रहा है, गुड्स व्यापार से बेचने के रूप में जा रहा है, तो सेल्स क्रेडिट हो जाएगा, कैश अकाउंट डीआर टू सेल्स। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, एक उधार सेल हम करके देखते हैं, गुड्स सोल्ड टू राजीव 80,000, राजीव को माल बेचा, यहां कोई कैश शब्द नहीं आया हुआ है,
यहाँ इम्पोर्टेंस उस पार्टी की है जिसे हम माल बेच रहे हैं, जो मेरा कस्टमर है, जो कि रिसीवर है। पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जो व्यापार में पा रहा हो, जिसकी इम्पोर्टेंस हो, जैसे कस्टमर हमारा है, जो रिसीवर है वो हमें कुछ दे नहीं रहा है, इसलिए राजीव को हम डेबिट करेंगे, क्योंकि डेबिट द रिसीवर। और यहां आपने ऊपर देखा था सुमित को मैंने क्रेडिट किया था, पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है क्रेडिट द गिवर, देने वाला धनिया क्रेडिट होता है। तो यहां पर आपका सुमित क्रेडिट में गया था बिकॉज क्रेडिट द गिवर था। और यहां पर रिसीवर है, राजीव को माल बेचा जा रहा है, राजीव प्राप्त करने वाला है रिसीवर, इसलिए राजीव को डेबिट करते हैं। अगली एंट्री है आपकी राजीव अकाउंट, राजीव अकाउंट 80,000 टू सेल्स अकाउंट 80,000, व्यापार से सेल्स जा रहा है 80,000 रुपए। इस तरह से ये एंट्री हो जाएगी, राजीव अकाउंट डीआर टू सेल्स। नेक्स्ट एंट्री, हम कई सारे फॉर्मेट्स की एंट्री जिसमें बता रहे हैं, जिससे एक ही वीडियो में आपकी जर्नल एंट्रीज का सारा डाउट क्लियर हो जाए। नेक्स्ट आप देखेंगे हम एक्सपेंसेस की एंट्री भी बता रहे हैं, सैलरी पेड 15,000, मतलब व्यापार में जो अपने एम्प्लॉयज से हम काम लेते हैं उसके बदले उनको पैसा देते हैं। इनडायरेक्टली एक्सपेंस जो होते हैं, जो मंथली अर्ली किए जाते हैं, ऐसे एक्सपेंसेस को इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहे जाते हैं। जो उत्पादन में खर्चे होते हैं उसे डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं, बट जो व्यापार को चलाने के लिए अपने पास एम्प्लॉयज होते हैं, जो हम रेंट पे करते हैं या इंटरेस्ट देते हैं, बैंक चार्ज प्रोवाइड करते हैं, ये सब आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आते हैं। तो वेतन दिया, सैलरी अकाउंट डीआर टू। वेतन क्या है, नॉमिनल अकाउंट का रूल है ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, मींस व्यापार में होने वाले समस्त व्यय एवं हानियों को हम डेबिट करते हैं। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, व्यापार में होने वाले समस्त आय एवं लाभ को हम क्रेडिट करते हैं। तो नॉमिनल का रूल लगेगा, सैलरी पेड 15,000 रुपए, जो सैलरी हम दे रहे हैं 15,000 दे रहे हैं, तो सैलरी एक आपका एक्सपेंस है, खर्चा है, तो सैलरी को हम डेबिट करते हैं बिकॉज नॉमिनल का रूल कहता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो सैलरी आपका यहां पर डेबिट हो जाएगा 15,000, और सैलरी के अगेंस्ट में जाता क्या है, कैश जाता है व्यापार से, तो कैश आपका क्रेडिट हो जाएगा बिकॉज रियल का रूल कहता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो संपत्ति व्यापार से जाए वो आपका क्रेडिट हो जाता है, तो कैश व्यापार में जाएगा, जो खर्चा होता है उसके बदले हम कैसे ही प्रोवाइड करते हैं। तो सैलरी अकाउंट डी आर टू कैश। नेक्स्ट एंट्री मैंने एक इनकम की एंट्री दी है कि व्यापारी को, कंपनी को कमीशन प्राप्त हो रहा है, कमीशन मिला, कमीशन अगर मिल रहा है, अगर कोई भी लाभ हो रहा है व्यापार को, तो उसमें नॉमिनल का सेकेंड रूल हम यूज करते हैं क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो इनकम नहीं कहेंगे, इसे गेन कहेंगे, प्रॉफिट कहेंगे, व्यापार का कमीशन मिल रहा है, और जब प्रॉफिट जो होता है उसे क्रेडिट कर देते, तो प्रॉफिट कमीशन के रूप में हो रहा है, तो कमीशन को क्रेडिट करेंगे, और कमीशन के बदले क्या आएगा, कैश आएगा, कैश आ रहा है डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश डेबिट हो जाएगा और कमीशन क्रेडिट हो जाएगा। यहां पर हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट में बैलेंस जाएगा 25,000 और टू कमीशन अकाउंट 25,000 इसका टोटल हो गया, और 25,000 इसका, दोनों पक्ष में बैलेंस बराबर होते हैं, एक डेबिट पक्ष है और एक क्रेडिट पक्ष है। आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। नेक्स्ट आप देखें कि राजीव जो मेरा कस्टमर है उससे हमें प्राप्त हो रहा है कैश, कैश मिल रहा है, तो पार्टी जो दे रही है वो क्रेडिट होगी, क्योंकि क्रेडिट द गिवर, देने वाला धनी होता है, और कैश रिसीव हो रहा है, तो कैश आ रहा है, इसलिए कैश को हम क्या करते हैं, डेबिट कर देते हैं, वही रूल लग रहा है डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आ रहा है 50,000, कहां से आ रहा है, देने वाला कौन है, क्रेडिट द गिवर कौन है, राजीव है, क्योंकि राजीव कस्टमर है, वो सन्ड्री डेटर थे जो कि आज दे रहे हैं, देनदार थे इसलिए आज हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, तो यहां टू राजीव हो जाएगा 50,000। इस तरह से 50,000 टोटल हो जाएगा डेबिट में, और 50,000 टोटल हो जाएगा क्रेडिट में। नेक्स्ट हम देखते हैं मनोहर से माल वापस आया, मनोहर को मैंने माल बेचा है, मनोहर को माल बेचा गया था, उनसे माल वापस आ रहा है,
माल जब वापस आता है, बेचा हुआ माल वापस आता है, उसे सेल्स रिटर्न कहते हैं। संपत्ति वापसी के रूप में आ रही है, गुड्स वापस आ रहा है, तो जो वापस आ रहा है तो रियल का रूल अगर हम देखने जाएं तो रियल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो संपत्ति व्यापार में है उसे डेबिट कहते हैं। तो सेल्स रिटर्न आ रहा है, गुड्स वापस आ रहा है, कहां से आ रहा है, मनोहर से आ रहा है, तो मनोहर देने वाले हो गए तो उनको क्रेडिट में रखेंगे, बिकॉज क्रेडिट द गिवर पर्सन का रूल कहता है, और जो आ रहा है सेल्स रिटर्न आ रहा है उसको हम डेबिट करेंगे। अगला एंट्री है आपका सेल्स रिटर्न, जब बेचा हुआ माल वापस आता है तो उसे सेल्स रिटर्न कहते हैं। 15,000 का माल वापस आ रहा है, कहां से आ रहा है, मनोहर से, अकाउंट 15,000। जब माल वापस आता है तो वो सेल्स रिटर्न कहा जाता है, और माल अगर हम वापस करते हैं पार्टी को जिससे हमने खरीदा था तो आपका परचेज रिटर्न में इंक्लूड होता है। नेक्स्ट एंट्री मैंने परचेज रिटर्न की भी प्रोवाइड की है। सुमित को माल वापस किया 10,000 रुपए का, गुड्स रिटर्न टू सुमित, सुमित को हम वापस कर रहे हैं 10,000 रुपए का माल, तो वापस हम सुमित को क्यों कर रहे हैं, बिकॉज सुमित से हमने खरीदा था तो परचेज आया था व्यापार में, अब हम सुमित को वापस कर रहे हैं। सुमित यहाँ प्राप्त करने वाले हैं, रिसीवर हैं, इसलिए सुमित को हम यहाँ पर डेबिट कर देंगे। अकाउंट कितने का माल वापस जा रहा है, 10,000 का। क्या हो रहा है, माल वापस जा रहा है, परचेज जो आया था आपके पास वो आज रिटर्न हो रहा है, परचेज रिटर्न अकाउंट 10,000, इसका टोटल कर देंगे 10,000। आई होप समझ में आ रहा होगा। लास्ट और अंतिम एंट्री मैंने एक एडजस्टमेंट की एंट्री प्रोवाइड की है। जैसे व्यापार में जो मशीनरी होती है एक प्रकार से वेस्टिंग एसेट्स होता है, मशीनरी खरीद लेते हैं आप तो उसमें आपके हमेशा मशीनरी के दाम में कमी होती रहती है, तो उसको अगर हमें एडजस्ट करना है, उसका डेप्रिसिएशन प्रोवाइड दिखाना है हमें कंपनी के समय के व्यतीत होने के साथ जो मशीनरी के दाम में कमी आती है उसको एडजस्टमेंट में हम ऐड करते हैं, तो उसकी एंट्री मैंने आपको दे रखी है। डेप्रिसिएशन डिडक्टेड ऑन मशीनरी 15,000, मशीनरी पर 15,000 रुपए ह्रास काटा गया, तो ह्रास को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो जो डेप्रिसिएशन होता है उसको डेबिट किया जाता है, बिकॉज ये व्यापार का लॉस है, तो डेप्रिसिएशन डेबिट कर देंगे। डेप्रिसिएशन अकाउंट DR में जाएगा, इसको हम कर देते हैं, स्पेस थोड़ा सा कम है, हम ऐसे समझा दे रहे हैं आपको। डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, 15,000, और डेप्रिसिएशन हो किस पर रहा है, किस में ह्रास हो रहा है, उसकी संपत्ति में कमी, किसके मूल्य में कमी हो रही, किसकी वैल्यू में कमी हो रही, तो मशीनरी की, तो मशीनरी को हम क्रेडिट में करते हैं। मशीनरी जो है व्यापार का रियल है, और रियल में कमी आ रहा है, उसके दाम में कमी हो रही है, कितना, 15,000 रुपए, 15,000। तो ये है आपका डेप्रिसिएशन अकाउंट DR2 मशीनरी। इस तरह से हमने सारी एंट्रीज को स्टेप बाय स्टेप करके बताया। रूल को आप जरूर यूज करेंगे, यदि आप रूल को इम्प्लीमेंट करके कोई भी जर्नल एंट्रीज करते हैं तो एंट्रीज के हर पहलू को आप समझ पाते हैं। इम्पॉर्टेंट ये है जर्नल एंट्रीज को करने का कि जर्नल एंट्रीज में जो पूछा जा रहा है, जो प्रेजेंट में वो पूछ रहा है एंट्री, उसका जवाब ही आप इसमें देते हैं। एंट्रीज को करने के लिए गोल्डन रूल्स के साथ उसको इम्प्लीमेंट करके करिए। एंट्री समझ में नहीं आती है तो एंट्री से क्वेश्चन वर्ड करके आप एंट्री से पूछिए, क्या किया, माल खरीदा, किससे, मुदित से या सुमित से या जिससे भी, जो भी नाम हो सकता है। अगर नकद में माल खरीद रहे हैं तो परचेज डेबिट टू कैश होगा, अगर उधार में माल खरीद रहे हैं तो परचेज डेबिट टू उस पार्टी का नाम होगा जिससे हम उधार खरीद रहे हैं, जो सप्लायर होगा। तो इस तरह से एंट्री को हम एक एक करके इम्प्लीमेंट करते हैं। एंट्री के समस्त पहलू को समझने के लिए आपको गोल्डन रूल्स को आपको तैयार करना पड़ेगा, इसलिए मेरी पिछली वीडियो गोल्डन रूल्स की वीडियो आप जरूर देख लें, फिर आपको जर्नल एंट्रीज में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। और ये जो इम्पोर्टेंट पार्ट है अकाउंटिंग का, अगर आपको लेखा करना है तो अकाउंट्स क्लियर होंगे, अकाउंट्स को कैसे आपको लिखना है वो आपको मालूम होना चाहिए, इसके लिए जर्नल एंट्रीज का आना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो गाइज ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को आप रिवाइंड करके 1 से 2 बार आप देख लेंगे, और जो जरूरतमंद आपके मित्र हैं उनके पास भी आप इसको शेयर कर सकते हैं। और इस वीडियो को
एक से ज्यादा बार देख लेंगे तो आपको एंट्री में कोई डाउट भी नहीं रह जाएगा। आई होप आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही नॉलेजेबल रही होगी। सो और ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के पास, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लें। गाइस ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करता रहूंगा हमारे चैनल पर। आपको नई नई वीडियो आपको स्टेप बाय स्टेप वीडियो मिलती रहेंगी। तो और बिना सब्सक्राइब किए आप यहाँ से ना जाएं और वीडियो को शेयर करते रहें अपने जरूरतमंद मित्रों के पास। मिलते हैं नेक्स्ट डे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।